हाय, दिस इज योर योगा कोच चित्रा पहुजा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे योगा पोजेस फॉर द यूट्रस हेल्थ, द गॉडेस पोज एंड द वेरिएशंस। मल आसना यूट्रस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर द मेनोपॉज दिस इज वेरी गुड आसना। सिर्फ यूट्रस हेल्थ के लिए नहीं, मल आसना कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको घुटनों का दर्द है वो कृपया इस आसन का अभ्यास नहीं करें। भद्रासना दिस इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस फॉर द यूट्रस हेल्थ। आप घुटनों को नीचे की तरफ पुश करते हैं, थाइस में स्ट्रेच आता है, यूट्रस की तरफ स्ट्रेच आता है, सो दिस इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस फॉर द यूट्रस हेल्थ। हम प्रैक्टिस करते हैं क्रिया की। बद्रासना, आसना इज होल्डिंग, क्रिया इज मूवमेंट, सो बटरफ्लाई की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आपकी यूट्रस हेल्थ के लिए अच्छा है। सर्वांग आसना योगा का इन्वर्टेड पोज है, इसको सर्वाइकल पेशेंट नहीं करें। आपका जो पूरा बॉडी का वेट है वो आपके कंधों पे आता है, सो आपके कंधों पे प्रेशर आ सकता है, इसलिए सर्वांग आसन सर्वाइकल पेशेंट्स नहीं करें। या फिर आपको कोई नेक और शोल्डर इंजरी है तो आप ये प्रैक्टिस नहीं करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस हाई बीपी पेशेंट्स नहीं कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर सकती हैं। यूट्रस हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन। हलासना, अगर आपको सर्वाइकल है, आपके गर्दन में दर्द है या शोल्डर इंजरी है तो आप हलासना की प्रैक्टिस नहीं करें। हाई बीपी पेशेंट भी इस आसना की प्रैक्टिस नहीं करें। अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज है, अस्थमा है, ब्रीदिंग में इश्यूज है तो तब भी आप ये प्रैक्टिस नहीं करें। ये प्रैक्टिस भी थायराइड पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है और यूट्रस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। हल आसना जो है वो एक हल से लिया गया है, इसमें आपकी जो लेग्स हैं वो इन्वर्टेड होके पीछे की तरफ जाती है। सो अगर आप इस आसन में परफेक्शन चाहते हैं, आप इंटरलॉक करिए फिंगर्स को और उसको खींचे तो आपको उस आसना में काफ़ी अच्छी परफेक्शन मिलेगी। बैक पेन में ये आसना की प्रैक्टिस नहीं करिएगा। मत्स्य आसना हल आसना का काउंटर पोज है। जब भी हम कोई आसन करते हैं बैक बेंड का, तो उसको बैक के अलाइनमेंट को सही करने के लिए, उसको वापस शेप में लाने के लिए उसका काउंटर पोज करा जाता है। सो मत्स्य आसना, जब भी आप हल आसना की प्रैक्टिस करें, सर्वांग आसना की प्रैक्टिस करें तो मत्स्य आसना अवश्य करें। लिजर्ड पोज अपने आप में एक बहुत अच्छा आसन है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगेन ये आसन आपकी यूट्रस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन आपका पेल्विस की तरफ बढ़ाता है, ये आपके डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करने में सहायता करता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब करिए।